हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज फिर से लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट द स्वीटर एंड पापा, जो सीजन बुक का नया चैप्टर है अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से क्लास 11। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है इसलिए दो पार्ट करके बनाया। और आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये थ्री पार्ट वाला हमको चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो वही आपको लेकर आया हो आपके सामने। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये वाला पीडीएफ, स्वीटर एंड पापा पहले वाला पीडीएफ, रंगा समेरिस का पीडीएफ और हर किसी का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्लास 11 12 कुछ किसी का भी, आपको टेलीग्राम फॉलो करना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम बीएस ट्यूशन क्लासेस करके ही है, टेलीग्राम को फॉलो करें, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर लिंक नहीं मिला तो डायरेक्ट टेलीग्राम में चार्ज कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो इसको हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3 क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर वर्ड्स। क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाई डिड पाइटर गेट सो डिस्टर्ब बाय द रूमर्स अबाउट हिज मैरिज, व्हाई डिड ही ट्राई टू डू टू गेट रीड ऑफ द डिस्टर्बिंग सिचुएशन। मतलब अपनी शादी के अफवाहों से पाइटर इतने परेशान क्यों हो गए? परेशान करने वाली स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या करने की कोशिश की? चलो पढ़ते हैं। Piter was disturbed by the rumors of his marriage, for he did not want to marry. This was because he was mainly a playboy who was on a flirting spree with girls and did not want to commit any responsibilities to his lovers. To avoid a probable marriage, he made a direct confrontation with the Kondraskin father, to whom he revealed his vices, crimes and real identity. मतलब क्या, पाइटर अपनी शादी की अफवाहों से परेशान था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मुख्य रूप से एक प्लेबॉय था जो लड़कियों के साथ छेड़खानी की होर में था और अपने प्रेमियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। स्वाभाविक विवाह से बचने के लिए उन्होंने कॉन्ड्रास्किन के साथ सीधा टकराव किया, जिनसे उसने अपने दोषों, अपराधों और वास्तविक पहचान का खुलासा किया। अपना जो प्रॉब्लम था, पूरा का पूरा प्रॉब्लम बता दिया। कैसा कैसा प्रॉब्लम, कि मैं ड्रंकर्ड हूँ, एम्बेजलमेंट में, फोर्जरी में फंसा हो, ऐसा हर एक चीज़ बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच क्राइम्स ऑफ पाइटर अकॉर्डिंग टू कॉन्ड्रास्किन माइट लैंड हिम इन साइबेरिया, हाउ डिड ही रिएक्ट टू पाइटर्स कन्फेशन ऑफ दिस क्राइम्स एंड व्हाई। मतलब कॉन्ड्रास्किन के अनुसार पाइटर के कौन से अपराध उसे साइबेरिया में ला सकता है, पाइटर के इन अपराधों के शिकारोक्ति पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों? देखिए, कॉन्ड्रास्किन फियर्ड दैट पाइटर माइट बी सेंट टू साइबेरिया, फॉर ही वाज ऑन ए ट्रायल फॉर एम्बेजलमेंट। इनिशियली कॉन्ड्रास्किन वाज डंबफाउंडेड विद द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ पाइटर, टू लेटर गेट मोर स्ट्रांग एंड petrified as he got to also know that Piter was a runaway convict. He was speechless and motionless as he was filled with horror. Following this, he collapsed to his armchair while he groaned with guilt of harboring a snake in his home, and thereafter demands that Piter leaves their company and home forever. Iska matlab dekhiye kya hai, कि कॉन्ड्रास्किन को डर था कि पाइटर को साइबेरिया भेजा जा सकता है क्योंकि उस पर गबन का मुकदमा चल रहा था, ठीक है, एम्बेजलमेंट का, पैसे हड़पने का, ठीक है, मुकदमा चल रहा था। शुरू में कॉन्ड्रास्किन पाइटर के आपराधिक इतिहास से बौखला गया था, बाद में वो और अधिक बौखला गया और डर गया क्योंकि उसे यह भी पता चला कि पाइटर एक भगोरा अपराधी था। वो अवाक और गतिहीन था क्योंकि वो आतंक से भरा था। कौन? पाइटर। इसके बाद वो अपराध बोध से कराते हुए अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। कौन? कॉन्ड्रास्किन डर गया था ना
कि रान एक कॉन्विक्ट है, एम्बेजलमेंट में फंसा है और इससे मैं अपनी बेटी का शादी करवाने चला था। अपने घर में एक सांप को रखने के लिए और उसके बाद मांग करता है कि पाइटर अपनी कंपनी और घर हमेशा के लिए छोड़ दे। एक सांप पाल रहा था। कॉन्ड्रस्किन क्या था? एक सांप था, ठीक है। सांप मतलब नेगेटिविटी था, दुश्मन था, प्लेबॉय था, ख़राब इंसान था। आप बोलते हैं ना कि ये सांप पाल रहा हो अपने घर में, वही। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड पाइटर डिसाइड टू एडॉप्ट हेमलेट्स डिवाइस? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। व्हाई डिड पाइटर डिसाइड टू एडॉप्ट हेमलेट्स डिवाइस, व्हाई डिड ही फेल इन दिस वेंचर? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बुक तो नया है तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बीच से बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि हो सकता है कि बुक नया है लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ना ये पुराना चैप्टर है, द स्वीटर एंड पापा, ये वाला पुराना चैप्टर है, व्हेन आउट ऑफ कैम पुराना चैप्टर है। इसका क्वेश्चन आंसर मेरे यूट्यूब चैनल पे भरा पड़ा है, ठीक है, हज़ारों से ऊपर इसका व्यू है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर भी मैं ये पढ़ा देता हूँ, टेलीग्राम में जाके इसका PDF ले लीजिएगा BS ट्यूशन क्लासेस के नाम पर। व्हाई डिड पाइटर डिसाइड टू एडॉप्ट हेमलेट्स डिवाइस, व्हाई डिड ही फेल इन दिस वेंचर? मतलब पाइटर ने हेमलेट की युक्ति को अपनाने का निर्णय क्यों लिया, वो इस उद्यम में असफल क्यों हुआ? बहुत आसान है, देखिए। पाइटर डिसाइडेड टू एडॉप्ट हेमलेट्स डिवाइस फॉर ही वांटेड टू यूज़ इट एज एन मीन्स टू एस्केप हिज मैरिज विथ नास्तिया कॉन्ड्रस्किन्स डॉटर। ही फेल्ड इन दिस वेंचर एज हिज फ्रेंड डॉक्टर फिटवेव रिफ्यूज टू गिव पाइटर ए फेक सर्टिफिकेट फॉर इंसेनिटी एज पाइटर रिफ्यूज टू मैरी एंड डॉक्टर फिटवेव बिलीव दैट एनी वन हु डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी इज नॉट क्रेजी ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज वाइस। इसका मतलब क्या है? पाइटर ने हेमलेट के उपकरण को अपनाने का फैसला किया क्योंकि वो इसे नास्तिया कॉन्ड्रस्किन के साथ, मतलब नास्तिया के साथ अपने विवाह से बचने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वो इस उद्यम में असफल हो गया क्योंकि उसका दोस्त डॉक्टर फिटवेव ने पाइटर को पागलपन के लिए एक नकली प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाइटर ने शादी करने से इनकार कर दिया और डॉक्टर फिटवेव का मानना था कि जो कोई भी शादी नहीं करना चाहता वो पागल नहीं है, इससे विपरीत वो बुद्धिमान है, जो शादी करता है वो पागल है और जो शादी करना नहीं चाहता वो तो बुद्धिमान है। तो इस वजह से फिटवेव ने पाइटर को सर्टिफिकेट नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था देखिए, व्हाई डिड पाइटर डिसाइड टू एडॉप्ट हेमलेट डिवाइस? तो हेमलेट डिवाइस का अगर बात करूँ तो आपको पता होगा, आपने हैदर मूवी तो आपने देखा होगा, हैदर मूवी वो हेमलेट का ही, हेमलेट जो ड्रामा है वही है, ठीक है, जो शाहिद कपूर करता है हैदर मूवी का। तो हेमलेट में क्या होता है कि हेमलेट का पिताजी मर जाता है, ठीक है, और हेमलेट के माताजी और उसका जो अंकल है चाचा उसका रिलेशन हो जाता है। तो हेमलेट को लगता है, हेमलेट विदेश में पढ़ता है, वो विदेश से घर वापस आ जाता है, हेमलेट को पता लगाना होता है कि उसको पिताजी का मौत हुआ कैसे और किसने किया। अगर डायरेक्टली वो अगर ऐसा ढूंढने लगेगा कि किसने किया तो हेमलेट को ही मार डालेगा जिसने उसके पिताजी को मारा था। तो हेमलेट ने क्या किया, हेमलेट ने लोगों को दिखाया कि हेमलेट पागल हो चुका है। अगर लोगों को ऐसा लगेगा, उसका चाचा को भी लगेगा, उसका माताजी को भी लगेगा कि हेमलेट पागल हो चुका है, ठीक है, वही है हेमलेट डिवाइस, पागल होना, ठीक है, कि हेमलेट पागल हो चुका है। तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हेमलेट चुप चुप के ऐसे इंक्वायरी कर रहा है कि उसका पिताजी का मौत कैसे हुआ था, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। बेसिकली उसका चाचा ने ही मारा था उसके पिताजी को, ठीक है, और उसका चाचा को अगर पता चल जाता कि हेमलेट तो ठीक है, हेमलेट इंक्वायरी कर रहा है उसके पिताजी का मौत का, तो उसका चाचा जी उसको मार देता हेमलेट को। तो इस वजह से हेमलेट ने पागलपन दिखाया कि उसको, वो हेमलेट पागल हो चुका है, ठीक है, ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, तो कोई भी हेमलेट को नहीं मारा। और लास्ट में हेमलेट ने सभी को बता दिया कि मैं पागल नहीं हूँ, और उसके चाचा जी के साथ युद्ध होता है, उसमें उसका चाचा जी मर जाता है। तो वही है हेमलेट डिवाइस, पागलपन का, और इसमें पाइटर वही डिवाइस फॉलो करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि पाइटर पागल है, ठीक है, और एक पागल व्यक्ति से कैसे शादी हो सकता है। तो यही है हेमलेट डिवाइस, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जितना हो सके, लेकिन आप इतना सभी अगर लिखोगे तो सफिशिएंट है। तो बस कैसा लगा बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
चैनल को, BS ट्यूशन क्लासेस को, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर किसी में आपको BS ट्यूशन क्लासेस करके मिलेगा। और ऐसे ही ज़बरदस्त PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना होगा। टेलीग्राम क्या है? BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है टेलीग्राम में, ठीक है? प्लीज़ विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।